हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाई एम व्लॉग्स। तो यार कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली, आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड की GT कॉन्टिनेंटल 650। जैसे कि आप इसका पूरा लुक देख सकते हैं, और यार बाइक के ओनर से मैं आपको मिलवाता हूँ, उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो यार प्लीज़ भाई को भी जाके करो सब्सक्राइब, इनका यूट्यूब का चैनल का लिंक भी मैं अपने नीचे दे दूंगा। तो भाई आ जाइए आप। हेलो, कैसे हो भाई लोग? भाई थोड़ा बाइक के बारे में थोड़ी बहुत अपनी जानकारी बताइए। पहले तो ये है कॉन्टिनेंटल GT 650, जैसा कि सभी लोग जानते ही हैं। और सीन ऐसा है दैट थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया हुआ है मैंने बाइक को। इसमें अभी मैंने रैप करवाया हुआ है बाइक पे, जो कि कस्टम है, और हेडलाइट्स लगी हुई हैं जो कि कस्टम है, प्लस ऑक्सिलरी लैंप्स, तो और साथ ही साथ आपका ये एग्जॉस्ट सिस्टम। और ये है बेसिकली AEW का 101 एग्जॉस्ट सिस्टम। ओके, सो बाइक के बारे में क्या ही बताना, इट्स एन अमेजिंग बाइक। जैसा कि आप सब जानते ही हो ऑलरेडी, पावर डिलीवरी के मामले में, टॉर्क के मामले में, हर चीज़ के मामले में इट्स ऑन द टॉप, राइट? मतलब ऐसा नहीं लगता, 140 के बाद भी आप जब रेव करते हो, आप जब खींचते हो थ्रॉटल, तो गाड़ी आगे जब बढ़ रही होती है कहीं भी आपको पावर की कमी नहीं लगेगी कभी भी, राइट? सो द बाइक हैज़ अराउंड 47 PS ऑफ पावर एंड अबाउट 52.3 Nm ऑफ टॉर्क, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और हाँ, एक और बात, मेरा खुद का भी चैनल है राइडर अननोन के नाम से। सो इफ़ यू लाइक वॉचिंग वीडियोज अबाउट बाइक्स एंड अबाउट टूर्स, बिकॉज मैं बाहर जाता रहता हूँ काफ़ी इधर उधर टूर्स पे, सो जस्ट गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कानपुर से ही हूँ तो कानपुर वाली पब्लिक तो कम से कम सब्सक्राइब करे ही, राइट? और बाकी तुम देख लो क्या बताना। तो भाई मीटर देख लो आप, फिर अभी तो उसको चलाते हुए भी राइड करेंगे। मीटर कितना प्यारा यार, अभी साउंड भी सुनाते हैं भाई, सब थोड़ा सा साउंड सुना दीजिए। तो गाइस ये था GT कॉन्टिनेंटल 650 का साउंड। तो यार अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा राइड करते हैं और बढ़िया बढ़िया इसके सिनेमैटिक को आप एंजॉय करो। गाड़ी को चलाने के लिए आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको चाहिए अपने पास। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इस गाड़ी को भाई बिल्कुल चलाने की मत सोचना। और जो नया राइडर है जिसने इस गाड़ी को नहीं चूज़ करा, तो यार प्लीज़ वो तो बिल्कुल ही मत करना, वो बिल्कुल मत इसकी राइड लेना। पहले भाई 390 या KTM 390 से यूज़ हो जाना, फिर इसको करना। भाई पावर देख रहे हो, पावर यार, भाई मेरे मुँह से कुछ बोला नहीं जा रहा है, मेरे मुँह से कुछ बोला नहीं जा रहा है, इसके लिए शब्द नहीं मिल रहे मुझे इसको बोलने के लिए। भाई यार इतनी कसम से इतनी बेहतरीन पावर है, फर्स्ट टाइम ऐसे मैं भी इसको फर्स्ट टाइम 650 चला रहा हूँ, कसम भाई। चलो पहले मैंने इसको एक राउंड अपने मोहल्ले मारा ताकि मैं इसके थोड़ा सा पावर से यूज टू हो जाऊँ कम से कम। वाह, दिस पावर इज सो गुड मैन। गली मोहल्ले में चलाने लायक वैसे है नहीं, पर मैं फिर भी अपना हल्का से एक आपको लेकर दिखा दे रहा हूँ कि गाड़ी की कैसी पावर है। भाई आप यकीन नहीं मानोगे, गाड़ी समय फर्स्ट गियर पे है, फर्स्ट गियर पे मैंने यहाँ से मोड़ा है अभी अभी जस्ट एकदम, वहाँ से आते इसके बाद फर्स्ट गियर पे लाया, सेकंड गियर डालने का मुझे लग ही नहीं कि इसमें सेकंड गियर डालना भी पड़ेगा। और गाड़ी की टॉप स्पीड 200 जाती, 180 आराम से, 200 के लिए तो इसको कम से कम एक्सप्रेस वे चाहिए तभी जाके ये 200 भी हो पाई। बट भाई यार कसम से भाई मानना पड़ेगा यार, सीरियसली सही में मानना पड़ेगा भाई यार, गाड़ी को यकीन नहीं होता इतनी भयंकर पावर है, इसको भी सुपर बाइक कह सकते हैं। 650 CC इट्स नॉट अ नॉर्मल बाइक, इट्स अ सुपर बाइक। ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाएगी, गली में क्या गूंज रही है भाई, क्या पावर है यार। वैसे मैं इसकी पावर से यूज टू हो चुका हूँ, तो थोड़ा सा इसको मैं गली में ले आया, मतलब हल्का सा देखना चाहता था इसको। इस समय बाहर लेकर नहीं जा सकते भाई गाड़ी में, क्योंकि पिकअप और यार पावर भाई पूछ।
बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ए कहाँ जा रही डॉली? छह सौ पचास सीसी को ऐसे समय में चलाना सही बात है भाई, नामुमकिन है यार, बिल्कुल 650 सीसी चल नहीं सकती। मुझे जब नहीं निकल रहे दो चीज के अलावा यार, एक तो गाड़ी में पावर, हाँ लेकिन ब्रेकिंग भी माननी पड़ेगी गाइस, 650 सीसी के होने के बावजूद यार ब्रेकिंग इज टू गुड। फर्स्ट गियर से ऊपर नहीं आया अभी तक गाइस, मैं वहाँ से जब तक ले कर रहा हूँ अभी तक फर्स्ट गियर से ऊपर नहीं आया हूँ, फर्स्ट ही गियर पे गाड़ी है अभी तक। भाई हीट भाई फेंक दी यार गाड़ी ने, इतनी भयंकर हीट फेंक रही, जबकि यार मैंने देख लो जीन्स पहनी हो तब भी गाड़ी ऐसी हीट फेंक रही है कि पूछो नहीं। ए भाई जगह देते यार प्लीज, जगह देते। हाँ थैंक यू भाई, मेरे खुश रहे भाई तू। दो मिनट को यार, पहले हाथ टूट गया यार मेरा इसको चलाने में, हाथ टूट गया गाइस। हाँ बट एक चीज़ है, उतनी भी ज़्यादा हैवी नहीं है अब यार, थोड़ा सा जब एकदम आप इसको पैर नीचे रखें एकदम बहुत भयंकर ट्रैफिक में चलाओगे तब आपको इसका वेट थोड़ा सा पता लग सकता है, वरना ऐसे तो इसका वेट नहीं पता चलने वाला बिल्कुल भी। सुपर बाइक बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो सकती भाई गली में, लो ब्रेकर। ओहो चलो कोई बात नहीं, जीटी की उतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस है। फिर से यार इतना ट्रैफिक भाई साहब, भाई कसम से गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को यार यहीं पर कर देते हैं हम लोग एंड। भाई मेरे हाथ ये देख लो गाइस, कांप भी रहे हैं और कितने रेड हो गए हैं भाई। गाड़ी में पावर कसम से बहुत ही ज्यादा है भाई, अभी जैसे भी गली में लेकर आप देख रहे हो भाई गाड़ी बिल्कुल ट्रैफिक में यार, वैसे हो जाए कंट्रोल लेकिन ये देख रहा हूँ ना हाथ, यही भाई सबके साथ होगा और कंट्रोल करना तो भाई नामुमकिन है भाई बिल्कुल। पावर यार इतनी है कि इस गाड़ी का तो यार टॉप एंड भी करने जाएंगे तो उसके लिए तो पूरा एकदम एक्सप्रेस वे वाली ही रोड चाहिए, और इस गाड़ी का नॉर्मल हल्का से 100 भी टेस्ट नहीं कर सकते, गाड़ी 100 स्पीड तुरंत पकड़ लेगी है ना। बाकी अब यार इस ब्लॉग को यहीं पर कर देते हैं एंड। भाई का भी यूट्यूब चैनल है, उनको भी सब्सक्राइब कर देना, भाई के चैनल का लिंक भी नीचे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो यार प्लीज़ उनका चैनल भी जाके सब्सक्राइब करो, द रियल राइडर अननोन इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम भी नीचे डाल दूंगा, चैनल भी डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड। और यार एक आखिरी बार, गाड़ी का लुक अच्छा लग रहा तो यार प्लीज़ वीडियो को कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, जो भी बंदा चैनल पर नए हैं चैनल कर लो सब्सक्राइब, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे हो रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, तो सी यू एंड बाय बाय, मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट व्लॉग में।